अगले हफ्ते चिंकी की बेस्ट फ्रेंड गुड्डी का बर्थडे था, जिसके लिए चिंकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और वो बार बार गट्टू से इसी बारे में बात कर रही थी। गट्टू, तुम्हें पता है गुड्डी के बर्थडे में वो मुझे अपने साथ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जाएगी। हाँ चिंकी, तुम ये बात मुझे पहले भी 10 बार बता चुकी हो, अब बस भी करो। गुड्डी के बर्थडे में उसने प्रिंसेस थीम्ड पार्टी रखी है, हम सबको प्रिंसेस वाले कपड़े पहन के जाने हैं। मैं तो अपनी वो प्यारी वाली फ्रॉक पहनूंगी जो मुझे बर्थडे पे पापा ने दिलाई थी। हाँ हाँ चिंकी, जो तुम्हें पहनना है वो पहनो, पर अभी मुझे टीवी देखने दो प्लीज। तुम ये बात जाकर मम्मी को बता के क्यों नहीं आती? अरे हाँ, अभी मैं मम्मी को ये बात बता के आती हूँ। चिंकी दौड़ कर किचन में जाती है और मम्मी को सब कुछ फिर से उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ बताने लगती है। बेटा चिंकी, वैसे तुमने ये क्या सोचा कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड गुड्डी के लिए क्या गिफ्ट लोगी? मैं गुड्डी के लिए एक अच्छा सा पेंसिल केस लूंगी। आप मेरे साथ वो लेने मार्केट चलेंगी ना मम्मी? हाँ हाँ चिंकी बेटा, क्यों नहीं। अच्छा अब तुम और गट्टू आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, देखो मैंने तुम लोगों के लिए सैंडविचेस बनाए हैं। चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के भी गट्टू और मम्मी को गुड्डी के बर्थडे के बारे में बताने लगती है और सब सैंडविचेस को हाथ में एंजॉय करने लगते हैं। बर्थडे वाले दिन चिंकी क्लासरूम में आती है और गुड्डी को एक क्यूट से हेयर बैंड लगाए हुए देखती है। सभी बच्चे गुड्डी को विश कर रहे थे और उसके पास बहुत भीड़ थी। गुड्डी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू चिंकी, आओ मेरी सीट पे मेरे साथ बैठो। चिंकी और गुड्डी एक साथ बैठ जाती हैं और तभी गट्टू क्लासरूम में अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी के साथ आता है। हैप्पी बर्थडे गुड्डी, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड्डी, तुम्हारा हेयर बैंड तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। थैंक यू चिंकी, तुम शाम को पार्टी में आ रही हो ना? हाँ गुड्डी बिल्कुल, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है।